गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज इंग्लिश क्लास में हम फिर एक नया चैप्टर नए लेसन के साथ हैं एंड इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आपने पढ़े होंगे, एक्चुअली ये सेवन्थ और एट्थ के बच्चों के लिए हैं, तो ऑलरेडी वो लोग प्रोनाउंस को पढ़ चुके हैं। अब उसी प्रोनाउंस की एक कैटेगरी होती है, उसी का एक हिस्सा, उसका एक पार्ट होता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। फिर से समझें, प्रोनाउंस इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउंस को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना नाम लूँ अर्शी, तो अर्शी को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन जो होगा वो ही होगा। अगर मैं बात करूँ किसी एक लेडी की, मैं बात कर रहा हूँ शबाना की, तो शबाना को रिप्लेस करने वाला जो प्रोनाउन होगा वो होगा शी। तो ऐसे बहुत से प्रोनाउंस होते हैं, हम ही पढ़ते हैं, शी पढ़ते हैं, इट पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। सो दीज आर द प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसी की एक कैटेगरी है, उसी का एक हिस्सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, पहले तो वो देख लीजिए। ये एक्चुअली चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम प्रेटी श्योर कि जो हमारे सेवन्थ और एट्थ के बच्चे हैं उन्होंने शायद इसको न पढ़ा हो, क्योंकि ही के साथ हिस को पढ़ना आसान है, हिम को पढ़ना आसान है, लेकिन कई बार हिमसेल्फ नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं। तो आज हम उसी को लेकर के आपके सामने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर से देखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एक लिस्ट मैंने दी है, जिसमें माई सेल्फ आई से डराइव होता है, योर सेल्फ यू से डराइव होता है। डराइव होने का मतलब जो माई सेल्फ है वो आई से आता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हर सेल्फ, सो ये डराइव होता है शी से। अगर हम बात करते हैं इट सेल्फ की, तो ये डराइव होता है आपका इट से। अगर हम बात करते हैं योर सेल्फ की, अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। सो यू से है योर सेल्फ, लेकिन जब हम ऑल ऑफ यू का यूज़ करते हैं या यू ऑल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम योर सेल्फ का यूज़ करते हैं। उसके बाद देम सेल्फ आता है जो दे से डराइव होता है, और आर सेल्फ आता है जो आपका वी से डराइव होता है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोला जाता है, और ये सारे जो आपके मेजर प्रोनाउंस होते हैं उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा होता है। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपके दे रखे हैं। जैसे पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तो स्क्रीन पर क्या है कि जैसे हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ को हमने बोल्ड भी कर रखा है, आई हैव ट्राई टू मेक इट डिफरेंट, मैंने इसको दूसरे और वर्ड से अलग बनाया है। और अलग बनाने का तरीका क्या था, आई मेड दैट वर्ड बोल्ड, मैंने उस वर्ड को बोल्ड करा, एंड आई अंडरलाइंड एज वेल, और मैंने उसको अंडरलाइन भी करा। तो अब यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया। नीचे देखेंगे तो नीचे भी आपका दूसरा सेंटेंस है, उसमें भी हिमसेल्फ हो गया। उसका जेन है, ये हरसेल्फ हो गया। फिर दे के साथ देमसेल्फ हो गया। द बुक है, बुक के साथ इटसेल्फ हो गया। आई है तो माई सेल्फ हो गया। उसके बाद द चिल्ड्रेन है तो देमसेल्फ हो गया। आप द चिल्ड्रेन का क्या मतलब हुआ, अगर चाइल्ड की बात करते तो चाइल्ड में बच्चा या बच्ची दोनों आ जाते हैं, उसके लिए हिमसेल्फ भी हो सकता था, हरसेल्फ भी हो सकता था। बट ये जब चाइल्ड चिल्ड्रेन बन गया है, यानी कि प्लूरल बन गया है, तो ये देमसेल्फ हो गया यहाँ पर, देमसेल्फ, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, और उसी के हिसाब से, उसी के लेवल पर जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है देमसेल्फ। उसके बाद विलेज आता है, तो विलेज भी आपका एक न्यूट्रल जेंडर है, एक ऐसा जेंडर है, एक ऐसा प्रोनाउन है जो बात करता है ऐसे ऐसी चीज़ों की जिसमें जान नहीं होती है, राइट, जो बेजानदार चीज़ें होती हैं, राइट। तो वहाँ पर हमने विलेज को देखा, तो विलेज के साथ इटसेल्फ का यूज़ हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट जो सेंटेंस है उसमें हमने आर्सेल्फ्स दिया है, और आर्सेल्फ्स अगर आप देखें तो आर्सेल्फ्स जो है वो वी के साथ आया। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैं एक एक करके समझाता हूँ ये कैसे यूज़ हो रहा है। सेंटेंस है, जोसेफ हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि उसने खुद, तो उसने खुद, स्वयं, ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, खुद है, स्वयं है, तो उसके लिए अब वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को चूज़ करते हैं, अब जो सूट कर जाए। जैसे यहाँ जोसेफ है, तो जोसेफ का मतलब ही है, हैं भाई, जोसेफ क्या है, जोसेफ इज़ अ नाउन। नाउन को
अगर आप रिप्लेस करेंगे, मैं ख़ास तौर पे जोसेफ़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे, यू विल यूज़ हियर ही, अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो ही होगा। अब जब आप ही को यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए होना चाहिए, तो वो जानते क्या होगा, वो हिमसेल्फ होगा। तो सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि जोसेफ खुद गया, कहाँ गया, गेट को चेक करने के लिए। जैसे एक आपका गेट होता है और एक होता है कि आप किसी को बोलो कि भाई जाओ देखो गेट बंद है या नहीं, तो एक तो ये सेंटेंस हो गया, और एक होता है कि जब मैं खुद उठ करके जाऊं और गेट देखूं कि बंद है या नहीं बंद है। तो वहां पर इमीडिएटली, मतलब आफ्टर योर नाउन या आफ्टर एनी प्रोनाउन जो यहाँ पर हो भी सकता था, यहाँ पर हम जो है ही का यूज़ कर सकते थे, तो उस प्रोनाउन के बाद अब अगर आपको कुछ यूज़ करना है खुद के लिए, स्वयं के लिए, कि उसने खुद ऐसा किया, राइट, तो वहाँ पर हमने हिमसेल्फ का यूज़ करा। किसका यूज़ करा, हिमसेल्फ का। तो जोसेफ हिमसेल्फ वेंट, जोसेफ हिमसेल्फ वेंट यानी कि जोसेफ खुद गया टू चेक द गेट, गेट को चेक करने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी आप समझें, जैसे मैंने बोला ही हिमसेल्फ, तो ही के बाद आप हिमसेल्फ का यूज़ कर रहे हैं, और हिमसेल्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो प्रोनाउन देखा है दैट इज़ ही, तो मैंने बोला ही हिमसेल्फ, उससे खुद अब क्या होना चाहिए, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज लो ग्रेड्स। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका ग्रेड्स लो आ गया, तो ये आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो खुद ज़िम्मेदार है अपने लो ग्रेड्स का, यानी कि उसके जो एग्ज़ामिनेशन में जो लो ग्रेड्स आए हैं, जो एग्ज़ामिनेशन में जो लो मार्क्स आए हैं, उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार है, हम नहीं ज़िम्मेदार हैं, माँ बाप ज़िम्मेदार नहीं, टीचर ज़िम्मेदार नहीं है। तो वहाँ पर ही के साथ हिमसेल्फ का यूज़ किया गया, और सेंटेंस क्या बना है, ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो ग्रेड्स। तो ऐसे जो है ये हमने सेंटेंसेस कुछ दिए हैं, आई होप कि आप जब इनको देखेंगे, आप इनको समझेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो इनको यूज़ करेंगे। और आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि जैसे ये मैंने एग्जांपल में कुछ सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे, और जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उनको भी देखने और समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने दो एग्जांपल्स बताए उससे पूरी बात समझ में आ गई, अगर अभी भी नहीं समझ में आती तो चलिए मैं एक सेंटेंस भी आपको लिख करके दे देता हूँ, ताकि हम आपको वैसे भी लिख करके बता दें। मैं लाइव बोर्ड्स का यूज़ करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास देखिए एप्लीकेशन अवेलेबल है, आजकल तो पढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हो गए। जी अब मैं आपको सेंटेंस एक बता रहा हूँ, हमें यूज़ करना है हिमसेल्फ का, बात समझ में आ रही, हमें यूज़ करना है हिमसेल्फ का, फिर से समझे, हमें यूज़ करना है हमें यूज़ करना है हिमसेल्फ का, एच आई एम एस ई एल एफ, हिमसेल्फ का यूज़ करना है। तो अगर हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि उसे खुद में एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा टीच करने से पहले, यानी कि उस टीचर को खुद अपने आप में एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा पढ़ाने से पहले। तो देखिए अब जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो जानते क्या बनेगा, ही, ठीक है, ही, फिर हम लिखेंगे ही हिमसेल्फ, मैं कैपिटल में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ही के बाद हम यूज करेंगे हिमसेल्फ, एच आई एम हिम एस ई एल और एफ, ही हिमसेल्फ, उसे खुद में क्या होना पड़ेगा, एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ हैज टू बी, क्या यूज करेंगे, एच ए एस हैज, राइट, टी ओ टू, ये सब आप स्मॉल में लिखेंगे, जो सेंटेंस केस होता है उसमें लिखेंगे, हैज टू बी
हैज़ टू बी, ठीक है, अ गुड, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, गुड टीचर, ठीक है, अ टीचर, ही हिमसेल्फ हैज टू बी अ गुड टीचर बिफोर, ठीक है, बिफोर बिफोर टीचिंग, ठीक है, टी ई ए सी एच आई एन जी टीचिंग। अब अगर आप चाहें तो यहाँ स्टूडेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, सो ही हिमसेल्फ हैज़ टू बी अ गुड टीचर बिफोर टीचिंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप हिमसेल्फ का यूज़ इस तरह से कर गए हैं, और होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप इसको देखेंगे और देखने के बाद फिर इससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ, बाय बाय।